सोच समझ के। जी हाँ, ये घटनाक्रम जो हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा, और कोई बात नहीं, कांग्रेस पार्टी है, संघर्ष करेगी और हम विपक्ष में बैठेंगे, विपक्ष में बैठकर मजबूती से पार्टी का जो प्रोग्राम है वो चलाएंगे और अगले चुनाव में फिर जीत कर आएंगे। जनता देखिए, जो हो गया जिसको जहाँ जाना था वो गए, अब इसमें कैसे हुआ क्या हुआ ये सब इनमें पढ़ना बेकार है। वर्तमान स्थिति ये है कि हमें विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रहना चाहिए, एक मजबूत विपक्ष बनकर हम काम करें और जनता से कहेंगे कि हमें 5 साल के लिए अवसर मिलना था, नहीं मिला, एक अवसर और दीजिए, और मैं समझता हूं जनता हमें देगी और आगे जाके कांग्रेस फिर सरकार। या कोई भी हो, अब जो भी कांग्रेस, अब वो हालात जो हुए हुए उसमें पढ़ने से क्या फायदा। अब कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं से, सभी साथियों से मेरा कहना है कि हम सब एकजुट होकर एक मजबूत विपक्ष बनकर उभरें और जनता के बीच में जाएं और निश्चित जनता हमें अगले चुनाव में। अब सिंधिया जी अब भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहें, वो एक अलग पार्टी। बाकी लोग ये कह रहे हैं कि नंबर है, सरकार सेफ है, आप कह रहे हैं कि हम विपक्ष में बैठेंगे। देखिए, मैं ये मानता हूं कि अब विपक्ष में बैठने की तैयारी करना चाहिए, इसमें नंबर गेम तो मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा होने वाला है। सीएम साहब से मुलाकात करने जा रहे हैं? जी हाँ, मैं उनसे भेंट करने जा रहा हूँ। और सर, मध्य अवधि चुनाव की भी तैयारी रहेगी? हम तो कमर कस के तैयार हैं सर, लेकिन ये जो जनता चाहेगी वो होगा और जनता के बीच में जाके हम न्याय मांगेंगे। 19-20 लोग गायब रहे अचानक से, देखिए अब ये जो ढाप नहीं पाए क्या, मतलब अब ये देखिए जो होना है हो गया, अब इसमें क्यों हुआ कैसे हुआ इसमें पढ़ने से कोई मतलब। पहली बार किसका रहा? अब ये मैं कुछ नहीं कहता हूँ, सबकी सामूहिक जवाबदारी होती है, अब हम सामूहिक रूप से विपक्ष में बैठेंगे और जनता की लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। विधायकों ने इस्तीफे दिए हैं, सिंधिया जी ने भी पार्टी छोड़ दी है जी, आप मानते हैं संकट है? संकट क्या, वो तो लग रहा है कि अब सरकार कांग्रेस की नहीं रहेगी और हमें विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, कमर कस लेना चाहिए। बाकी लोग बहुत उम्मीद जता रहे हैं अभी भी, मेरा अपना सोचना है, आप मुख्यमंत्री से मिलकर चर्चा करेंगे। आपके हिसाब से रियलिटी यही है, सच्चाई है, सच्चाई का सामना करने में डरना क्या। ये इस इशू को ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया, मैं उसमें नहीं पड़ता क्यों नहीं किया क्या नहीं किया, लेकिन हमें आगे कमर कस के मजबूत रहना चाहिए और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका। इन्फॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन की कमी रही क्या पूरी चीज़? मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, क्या फायदा पढ़ने से, जो होना था हो गया। चुनाव के लिए भी तैयार है? कमर कस के तैयार। नया अध्यक्ष और ये सारी चीजें, हम जनता के बीच में जाएंगे और हमें विश्वास है जनता फिर से चुन के हमें